हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं छोटा सा ओवरव्यू देने वाली हूँ। अब छोटा होगा कि लंबा हो जाएगा ये ओवरव्यू, पता नहीं। तो देखिए, ये हमारा टच मी नॉट का प्लांट है, ये देखिए। और इसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये फ्लावरिंग के बाद शीट्स बन जाएंगे। और ये देखिए हमारा ऑरेंज टिकोमा है दोस्तों। और ये देखिए कितना फूलों से भरा हुआ है, पूरा लबालब, एकदम बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। और बारिश अभी अभी गिर के गई है दोस्तों, तो उसकी वजह से भी पानी इसके ऊपर गिरा है। तो ब्रांच देखिए, इतना पानी इसमें भरा हुआ है कि ब्रांच जो है सब झुक गई है, लेकिन फ्लावरिंग खूब सारी हो रही है। और दोस्तों, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी बोगनविलिया की, तो ये देखिए इतनी छोटी सी है, पन्नी में लगा रखा है। और इसमें भी देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पे पिंक वाली फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए ऑर्नामेंटल चिली है। और ये देखिए कटिंग, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, इस मौसम में भी आप खूब सारी बोगनविलिया की कटिंग लगाइए, क्योंकि ये मौसम में जो है प्लांट्स पे फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आती है, कमी आती है, क्योंकि बारिश के मौसम में सिर्फ इनके ब्रांचे ही जो है इधर उधर लंबी होती रहती हैं। तो फ्लावरिंग जैसे गर्मी में होती है, वैसी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। देखिए, मेरे एक भी प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है। और मैंने इसकी कटिंग भी किया था, तो जो कटिंग किया था, तो आप जैसे कटिंग करेंगे तो इसकी ब्रांच आप लगा दीजिए। तो देखिए, मैंने भी इसमें लगा दिया था, ये एक ये है, एक ये नीचे रखी हुई है। तो देखिए, इस तरह से आपके प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, चंपा में भी, वाइट वाला चंपा है, इसमें भी देखिए खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा तो हाथ भी उधर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच में ये क्रीम कलर का चंपा है, ये देखिए। इसमें भी अभी अभी फ्लावर्स आए थे और निकल के सब झड़ गए हैं। और दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये हमारा टिकोमा है, सॉरी टिकोमा कह रही हूँ, गोरी चोरी का प्लांट है, येलो बेल जिसे कहते हैं। और ये देखिए, इसमें भी कितनी फ्लावरिंग है। ये भी पानी इसके ऊपर गिरा हुआ है तो सब झुक गया है, लेकिन फ्लावरिंग देखिए आप, इसमें एकदम, इसमें भी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया था कि वो जो किचन वेस्ट मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था, वो मैंने इसमें डाला था। और ये अनार का प्लांट भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था, और ये तो खैर शीट से लगा था, तो मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया। और अब देखिए, ये हमारा लोटस, इसमें भी हम लोगों ने फर्टिलाइज़र डाला था। और किस तरह से डाला था मैंने वीडियो में शेयर किया है, इसकी वीडियो बनाई है मैंने। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये देखिए कितना, मतलब हेल्दी प्लांट हो गया है। कोई कहेगा कि ये शीट से लगाया था, और देखिए। और दोस्तों, ये देखिए मेरा जो है सिंगल पेटल जो है अपराजिता का प्लांट है, और इसमें भी खूब फ्लावरिंग हो रही है। आप जैसे देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर के पूरे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। और ये कटिंग से लगाया हुआ मेरा वो है, क्या कहते हैं, फायर बुश का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। और भी खूब सारी कटिंग्स मैंने इसकी तैयार की है। और इसमें भी देखिए, ये मैंने पिंचिंग कर दिया था दोस्तों, गर्मी में तो ये बिल्कुल सूख गया था, लेकिन खैर बारिश का पानी तो वैसे भी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है, तो खूब फैल रहा है अब, और बहुत बढ़िया भी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, फायर बुश का प्लांट, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। और ये भी देखिए कितना हेल्दी प्लांट हो गया है, यहाँ पर भी मैंने कटिंग लगाई थी। और ये देखिए, इसमें तुलसी का भी निकल आया है, और ये देखिए फायर बुश का भी, इसमें मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये भी बढ़िया हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये केना लिली का फ्लावर फिर से निकला है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर, और खूब बुशी भी हो रहा है। इसे मैंने 2 लीटर वाली जो दूध की पॉली बैग आती है उसमें लगा रखा है। और यहाँ पर देखिए, ये भी टिकोमा है जो मैंने कटिंग से लगाया था, और इसमें भी खूब फ्लावरिंग हो रही है, और खूब बर्ड्स भी आई हुई है देखिए। और यहाँ पर देखिए, जो मुझे सरप्राइज़ मिला था, उसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी सुंदर आई है। और ये इतना ही खिलता है दोस्तों, ये देखिए, ये फ्लावर देखिए इतना ही खिलता है, और पानी की वजह से ये काफ़ी, मतलब झुक गया है। और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना बढ़िया फ्लावर है, और इसकी कली देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये 6 बर्ड्स निकली थी, उसमें से 2 खिल चुकी है, 2 खिलने वाली है, और 2 अभी कली ही है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है।
और दोस्तों ये देखिए सिंगल पेटल अपराजिता है मेरा वाइट वाला, इसमें भी देखिए खूब फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों देखिए ये हमारा अलमांडा है वाइन वाला, इसमें भी देखिए येलो कलर की कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए। ये दोस्तों हमारा गोंफ्लेरा है और इसमें भी देखिए खूब फ्लावरिंग हो रही है। गर्मी में तो इसकी हालत एकदम ही ख़राब थी, खैर गर्मी में तो बहुत सारे पौधों की हालत ख़राब थी, अब बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं और अब फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। ये देखिए कितनी मतलब बढ़िया फ्लावरिंग आई है और मैंने दोस्तों इसकी कटिंग भी लगाई है। मैं कटिंग की वीडियो जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई है उन सब की वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये बारिश के मौसम में मैंने कौन कौन सी कटिंग्स लगाई है और कौन सी कटिंग्स चल पड़ी है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे इसमें भी पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा क्योंकि बारिश के मौसम में इसमें चाहे जितनी बार आप छिड़काव करो ये धुल जाता है, फिर उसके बाद फिर ये आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।